हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायानेट हेल्थ। मैं हूं आपके साथ भव्या। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ एनेक्साइटी के बारे में, जिसको हम हिंदी में मानसिक चिंता के नाम से भी जानते हैं। अक्सर यह प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हमें ज़्यादा टेंशन होने लगती है या फिर हम किसी डिप्रेशन में होते हैं, और इसके कारण हमें बेचैनी ज़्यादा होती है और हमारा बीपी लेवल भी लो हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप इस प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या है वो होम रेमेडीज़ जो आपकी प्रॉब्लम ऑफ एनेक्साइटी को दूर कर देगी। टिप नंबर 1, बाहर जाएं। अगर आप भी अपनी दिनचर्या को छोड़कर थोड़ा टाइम अपने लिए निकालेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम ऑफ एनेक्साइटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अक्सर हमारे बड़े भी हमें यही सलाह देते हैं कि हमें पार्क में जाकर बाहर घूमना चाहिए। इससे हमें बाहर के लोगों के बारे में भी पता लगता है और जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहती है। तो आपको अपनी मानसिक चिंता को दूर करने के लिए बाहर ज़्यादा से ज़्यादा घूमना चाहिए। इससे आपका माइंड रिफ्रेश भी रहेगा और नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड से दूर हो जाएगी। टिप नंबर 2, अपनी डायरी लिखें। अपनी पर्सनल डायरी के अंदर आप अपनी मन की बातें अच्छे से लिख सकते हैं। तो अगर आपको भी तनाव मुक्त जीवन को जीना है, आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं उसको आप अपनी डायरी के अंदर लिखकर बयान कर सकते हैं। इससे आपका माइंड और भी रिफ्रेश रहेगा और आपके दिमाग में अच्छी अच्छी थॉट्स आएंगी। तो जो भी बातें आपके दिल में हैं उन सभी बातों को अपनी डायरी पर लिख दीजिए। टिप नंबर 3, अच्छा भोजन खाएं। अच्छे भोजन से भी आपका दिमाग स्वस्थ रहता है। तो आपको अपनी हेल्दी डाइट में ऐसे पोषक तत्व को खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रहे। इससे आपके माइंड में कोई टेंशन भी नहीं रहती और आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी भी नहीं होती। तो इसमें आपको हरी सब्जियां और फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है और आपकी बॉडी मेंटली भी फिट रहती है। नंबर 4, पूरी नींद ले। अगर आप भी अपनी नींद को 8 से 9 घंटा पूरा करते हैं तो इससे आपको एनेक्साइटी के अटैक भी नहीं आते, क्योंकि अक्सर देखा गया है यह अटैक जब आते हैं जब हमारे शरीर में थकान हो जाती है या फिर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए आपको भी अपने डेली रूटीन में कम से कम 8 से 9 घंटे सोना चाहिए। इससे आपका माइंड फ्रेश भी रहेगा और जो भी आप नया काम करेंगे उसमें आपका मूड और भी अच्छा रहेगा। टिप नंबर 5, गंदी लत छोड़ दें। अक्सर देखा गया है जो लोग नशे में डूबे रहते हैं उनको प्रॉब्लम ऑफ एनेक्साइटी ज़्यादा परेशान करती है। तो आपको भी सिगरेट, तंबाकू और ऐसी नशीली चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो आपकी बॉडी को अनफिट करता है और आपके दिमाग को भी अशांत कर देता है। तो इन सभी चीज़ों का सेवन छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाइए। टिप नंबर 6, योगा करें। योगा और एक्सरसाइज करने से आपका माइंड और भी रिफ्रेश रहता है। तो आपको डेली सुबह उठ के योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपका दिमाग एक ही जगह सेट रहेगा और जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी योगा के थ्रू दूर हो जाती है। इससे आपकी बॉडी और भी हेल्दी और फिट रहेगी। तो अपना नियम बना लीजिए कि डेली आपको 15 मिनट योगा और एक्सरसाइज करना है। तो आज की इस वीडियो की लास्ट टिप है 7 टिप, अपने शौक में व्यस्त रहे। शौक में मींस जो भी आपकी हॉबी है उस काम को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो जो भी आपकी हॉबी है जैसे कि किताबें पढ़ना या फिर गाने सुनना या फिर घूमना या फिर टीवी देखना,
तो जो भी आपकी हॉबी है इन सभी में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। इससे आपका माइंड डाइवर्ट भी हो जाएगा और आपका दिमाग चेंज हो जाएगा और जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती है वो भी आसानी से दूर हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ऑफ एंग्जाइटी से बचने का ये सबसे अच्छा उपाय है। तो ये सब थे कुछ टिप्स जो आपकी प्रॉब्लम ऑफ एंग्जाइटी को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप भी एंग्जाइटी के शिकारी हैं तो इन सब टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को और भी हेल्दी और हैप्पी बनाइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और हेल्दी वीडियोस लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक आप अच्छा खाइए और स्वस्थ बने रहिए और हमारे चैनल वाया नेट हेल्थ को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाया नेट हेल्थ। मैं हूँ आपके साथ भव्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाया नेट हेल्थ। मैं हूँ आपके साथ भव्या।